पिंकी देवी, रईसा बानो के बाद पिंकी देवी, लाइन से जाइए, क्रम से जाइए। संगीता, अंजू, भैया जरा रास्ता दे। विद्यार्थी को साल भर कक्षाएं लगे और उसको खेलकूद का भी अवसर मिले, उसको वाद विवाद और डिबेट का भी, उसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी अवसर मिले, और जब परीक्षा देने आए, जब साल भर पढ़ के जाए तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाए, उसे टेंशन ना हो कि हम हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, क्या होगा भगवान। नहीं, अरे आपने पढ़ा है, भगवान आपकी सहायता करेगा, आपको आगे आगे जाने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा। तनाव तो उन विद्यार्थियों को होता है जो केवल परीक्षा के दौरान पढ़ते हैं, इसलिए मैंने दूसरा दिया है कि तनाव मुक्त विद्यार्थी, सुखी मन शिक्षक, तनाव मुक्त विद्यार्थी, गुणवत्ता परक शिक्षा। हम शिक्षा में ही तमाम कोर्स जोड़ रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स हो, चाहे आपकी जरूरत के लिए अन्य कोर्स हो। और आखिर में हमने कहा नकल विहीन परीक्षा, कि नकल विहीन परीक्षा हो, जिससे हमारे विद्यार्थी की डिग्री जब दूसरे प्रदेशों में जाए तो उसको गर्व से कह सके कि हम प्रयागराज बोर्ड के विद्यार्थी थे जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में प्रथम श्रेणी या टॉप करने की काम हमने किया है। जो भी विद्यार्थी आपने देखा होगा इलाहाबाद बोर्ड जो हमारा था, जिस विद्यार्थी को जो पहले टॉप 10 में थे, हमने 1-1 लाख रुपया, 1-1 कंप्यूटर, और उनको जहां पर रहता है विद्यार्थी, मान लो देवा में रहता है, तो देवा की जो सड़क बनेगी, जो विद्यार्थी लिख के दे देगा, 10-50 लाख की सड़क वो बन जाएगी, यानी विद्यार्थी के नाम से वो इलाका जाना जाए, कितनी बड़ी बात होगी। कभी छात्रों ने सोचा था? बुजुर्ग लोग तो घर में बच्चे को ऐसे समझते, तब तो बच्चा अगर टॉप करेगा, फर्स्ट आएगा, ज्यादा जिले में नाम करेगा, तो उसके नाम से सड़क बनेगी। और 150 लोगों को जो यहाँ के सांसद हैं एक संस्था के माध्यम से वो सिलाई मशीन का वितरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, उसके अंतर्गत लोग स्वरोजगार कर सके महिलाएं, उसके निमित्त ये कार्यक्रम रखा है। आज सुबह मुझे आने का अवसर मिला और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर देवर शरीफ ऑडिटोरियम के अंतर्गत ये रखा गया है, और सारे जगह की वो निराश्रित महिलाएं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, जिनके आय का साधन नहीं है, ऐसे निराश्रित लोगों के लिए इस प्रकार की योजना को समाज की सहायता से करने का कई जगह पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने किया है। और आज बाराबंकी में ये यहाँ के लोकल स्थानीय सांसद उनके सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित।